नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल फन स्टडी में। दोस्तों, स्टैटिक जीके के बाद चैनल पर कर्तव्य सीरीज की शुरुआत हुई थी। दोस्तों, कर्तव्य सीरीज में जियोग्राफी का अध्ययन कराया जा रहा है। दोस्तों, पिछली वीडियोज की प्लेलिस्ट बना दी गई है, जो कि आप लोग चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट सेक्शन में देख सकते हैं। दोस्तों, पंकज सर द्वारा हिस्ट्री की क्लास पढ़ाई जा रही है, जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है और बहुत ही डीप एनालिसिस करके दोस्तों कई एग्जाम का आपको पढ़ाया जा रहा है। इसलिए दोस्तों, आप वीडियोज को लगातार देखते रहें, लाइक करते रहें, जिससे हम लोगों का भी हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, शुरुआत करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों दोस्तों, आज हम लोगों का टॉपिक है भारत के भौतिक स्वरूप में बाह्य शिवालिक या निम्न या उप हिमालय। दोस्तों, ये एक ही हिमालय के दोस्तों कई सारे नाम कई बुक में दिए हैं, आपको एक जगह प्रोवाइड कराया जा रहा है, आपको कंफ्यूजन ना हो। दोस्तों, इसके सबसे पहला पॉइंट है, इसकी ऊंचाई 600 से 1500 मीटर तक है तथा इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर है। दोस्तों, यह डिजिट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको वन लाइनर के रूप में हूबहू ऑप्शन के रूप में देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, UPPCS हो, UP SSSC हो, SSC हो, रेलवे हो, बैंक हो, सारे वन डे एग्जाम के लिए दोस्तों ये भूगोल की क्लास आपके लिए वरदान साबित होगी। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, यह हिमालय का नवीनतम भाग है। दोस्तों, और तीन भाग के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें दोस्तों यह सबसे नवीनतम भाग है। नेक्स्ट पॉइंट है, शिवालिक या लघु हिमालय के बीच कई घाटी मिलती है, जैसे काठमांडू घाटी। दोस्तों, जो शिवालिक हिमालय है और लघु हिमालय है, इन दोनों के बीच दोस्तों कई प्रकार की घाटी मिलती है, जिसे दोस्तों काठमांडू घाटी कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, इन्हीं घाटी को पश्चिम में दून कहते हैं, जैसे दोस्तों देहरादून। दोस्तों, जिस प्रकार पूरब में घाटी कहा जाता है, उसी प्रकार दोस्तों पश्चिम में इन्हीं घाटी को दून कहा जाता है, और इसके उदाहरण दोस्तों हम लोग देख सकते हैं, जैसे दिया है देहरादून। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, शिवालिक के निचले भाग को तराई कहते हैं। दोस्तों, जो शिवालिक का निचला श्रेणी है दोस्तों, इसको हम तराई के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये आपको एक बुक में नहीं मिलेगा, आप कई बुकों का अध्ययन करके दोस्तों ये आपके लिए बनाया गया है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए दोस्तों, आपसे मैं पहले ही कह चुका हूँ कि अगर आप हमारे वीडियो से लगातार जुड़े हैं तो आपको नए नए जानकारी दोस्तों रोज प्रत्येक वीडियो में जरूर मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, शिवालिक लघु हिमालय शिवालिक हिमालय से मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होता है। दोस्तों, जब हम लोगों ने लघु हिमालय के बारे में पढ़ा था, तब भी ये पॉइंट हम लोगों ने डिस्कशन किया था, आज भी ये पॉइंट हम लोगों ने डिस्कशन कर रहे हैं, जिससे आपका रिवीजन हो जाए। दोस्तों, क्या है लघु हिमालय व शिवालिक हिमालय, दोस्तों इन दोनों के बीच मेन बाउंड्री फॉल्ट है, इन्हीं के द्वारा दोस्तों ये अलग होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, खेती की अच्छी संभावना होने के कारण इन घाटी में लोगों का अच्छा बसाव है। दोस्तों, यहाँ पर खेती सुविधा पूर्वक हो जाती है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर अधिक लोग रहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, नदी के आधार पर हिमालय का विभाजन। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही कंफ्यूजिंग है, इसलिए दोस्तों आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। इसमें है, विभिन्न नदियों ने हिमालय क्षेत्र को चार प्रमुख प्राकृतिक भागों में एक दूसरे से पृथक कर रखा है। दोस्तों, नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन किया गया है दोस्तों, जिसमें सबसे पहला है कश्मीर हिमालय, दूसरा कुमायू हिमालय,
नेक्स्ट है नेपाल हिमालय, और फिर दोस्तों असम हिमालय। अब दोस्तों इनके बारे में हम अगले नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे, दो दो करके हम लोग दोस्तों अध्ययन करेंगे, जिससे दोस्तों आपको वीडियो लंबा ज़्यादा देखना भी ना पड़े, जिससे आपको बोरियत लगे, और दोस्तों आपके लिए प्रत्येक एक एक पॉइंट दोस्तों जो भी PCS एग्ज़ाम, UP SSS एग्ज़ाम, जो भी वन डे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं दोस्तों, उनका समावेशन करके आपको वीडियो प्रोवाइड कराया जा रहा है। दोस्तों कुछ कारणवश वीडियो लगातार नहीं अपलोड हो पा रहे हैं, जिससे हम क्षमा प्रार्थी हैं, पर कुछ दिनों के बाद दोस्तों लगातार वीडियो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है, कश्मीर हिमालय को ही पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। दोस्तों कश्मीर हिमालय है, इसी को कई बुक में पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। दोस्तों आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए दोस्तों इस पॉइंट का समावेशन किया गया है। दोस्तों अब हम लोग कल से जिसमें कश्मीर हिमालय और कुमायूं हिमालय, इन दोनों के बारे में दोस्तों अध्ययन करेंगे। आप पहले इसके बारे में आप जो भी आपके पास बुक हो उनसे पढ़कर जरूर देखें। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। दोस्तों चैनल पर हिस्ट्री की भी क्लास चल रही है, उसको भी लगातार देखते रहिए, जो कि आपकी आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी, आपका एग्ज़ाम जरूर निकलेगा। दोस्तों अगर आपको हमारे चैनल में कोई भी वीडियोस में त्रुटि लगे तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे दोस्तों हम उसको अगले वीडियोस में सुधार कर सकें। धन्यवाद दोस्तों।